देश के विभिन्न हिस्सों में जिस तरह का उत्साह, जिस तरह का ज्वार दिखाई पड़ता है, दृश्य अद्भुत है। और जम्मू कश्मीर में तो मैं समझता हूँ कि सारे रिकॉर्ड टूट गए। जो स्थान कभी दूसरे कारणों के लिए चर्चित थे, वहां 10,000 बच्चे, महिलाएं, पुरुष तिरंगा लेकर के भारत माता की जय का जयकारा कर रही है और भारत के साथ एकात्मता का वचन दोहरा रहे हैं। मित्रों, ये हमारा जो देश है भारत, ये महज एक जमीन का टुकड़ा नहीं, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है, कश्मीर इसका किरीट है, पंजाब और बंगाल इसकी दो सशक्त भुजाएं हैं, पश्चिमी और पूर्वी घाट के दो जंघाएं हैं, गौरी शंकर इसकी शिखा है, कन्याकुमारी इसका चरण है जहां सागर उसके पांव पुकारता है, इस मिट्टी का कण कण शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल, ये तर्पण की भूमि है, अर्पण की भूमि है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए, ये संकल्प है निकाल। मित्रों, मैं आप सबका आह्वान करना चाहता हूं, 14 अगस्त से कल तक के कार्यक्रम चलेगा, जहां जहां भी कार्यक्रम आयोजित हो हम सब लोग उसमें पूरी हिस्सेदारी करें। और जो देश की अपेक्षा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, मैं समझता हूँ कि जैसा अभी मुख्य सचिव डॉक्टर मेहता ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर के जो कार्यक्रम हुए, उन कार्यक्रमों में जम्मू कश्मीर का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा। इसे और बेहतर करने की हम 2 दिनों में कोशिश करें। 12 सितंबर 1930 को बापू ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च किया था, जो देश की आजादी का सबसे प्रमुख कारण था। मैं समझता हूँ कि आज का वाकाथन भी आने वाले जम्मू कश्मीर के इतिहास का एक प्रमुख कारण बनेगा, यहाँ की समृद्धि, विकास और शांति के लिए।